हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज कैसे करें। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है। ओप्पो के फ़ोन में कैसे कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं दो तरीके बताऊँगी आपको कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करने का। पहला तरीका, सेटिंग को ओपन कर लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जीबोर्ड पे क्लिक करना है। जीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड कर लेंगे। मैं हिंदी लैंग्वेज ऐड कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे आपको आपको और चूज है तो आपको हिंदी चूज़ करना है और डन पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, जो लैंग्वेज नहीं लगानी है इसको हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मेरी लैंग्वेज जो है चेंज हो चुकी है, आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। और फ्रेंड्स, दूसरा तरीका, आपको कीबोर्ड की जो सेटिंग होती है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको फिर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड ऐड, इस पर क्लिक करेंगे कि ऐड कीबोर्ड पर। यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको लैंग्वेज चेंज करनी आ गई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।